इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे गिवन है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कौन से थ्री डिजिट नंबर्स हैं, कितने थ्री डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो इसको हमें एपी के थ्रू सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं assamstudy.com। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगेन हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर्स हैं थ्री डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए थ्री डिजिट नंबर कौन कौन से, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो हमें पता है 99 के बाद में 100 आता है, जो 100 आता है वो थ्री डिजिट नंबर का फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है। उससे पहले तो 99 होता है ना, वो तो टू डिजिट नंबर होता है, तो थ्री डिजिट नंबर में तो 100 आ गया। और सबसे बाद में सबसे लास्ट वाला कौन सा नंबर होता है, 999, यानी कि क्योंकि 1000 तो आ जाता है फोर डिजिट, और हमको चाहिए सिर्फ थ्री डिजिट नंबर। क्वेश्चन में हमें यही डिमांड कर रहा है थ्री डिजिट नंबर्स चाहिए, तो 100 से 999 तक आपके थ्री डिजिट नंबर्स मिलेंगे। अब आता है कि हमारा एक्चुअली हमें नंबर कौन से चाहिए, हमें चाहिए वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो। अब हम चेक करेंगे 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 101 वो भी नहीं है, 102 वो भी नहीं है, 103 वो भी नहीं है, 104 वो भी नहीं है, सबको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और 105 वो है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हमारा पहला नंबर जो कि थ्री डिजिट नंबर है ऑफ 7 से भी डिविजिबल है वो कौन सा है, 105। और उसके आगे आगे कौन सा नंबर होगा, अब 7 ऐड करते जाइए आगे, तो 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112, तो दूसरा नंबर कौन हो गया, 112। तीसरा नंबर अगेन 112 में 7 ऐड करते जाइए, क्योंकि अब आपको देखो उस तरह से क्या मिल रहा है, बार बार में आप 7 ऐड करते जा रहे हो, तो यानी आपको एपी मिल रही है और एपी मिलते मिलते आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल रहा है जो कि है 7, क्योंकि हर बार आप 7 का ही गैप छोड़ रहे हो हर में। तो 112 में अगर आपने 7 ऐड किया तो 119 आ गया, एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते गए। अब हम पीछे से नंबर्स को चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे को फर्स्ट नंबर मिल चुका है, सेकंड नंबर मिल चुका है, जिससे हमें ए मिल जाएगी, बी मिल जाएगी यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, और हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि हमारे को कितने नंबर हैं ऐसे, तो कितने नंबर यानी एन फाइंड करना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। तो लास्ट टर्म के लिए हम वापस से पीछे वाले नंबर्स पे ट्राई करेंगे, यानी कि 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे इससे पहले 998 पे ट्राई करेंगे, तो वो भी 7 से डिविजिबल है या नहीं फिर चेक करेंगे। फिर इस तरह से हम चेक करते करते हम 998, 997, 994, अब लास्ट में ऐसे पहुंचते पहुंचते हम पहुंचेंगे 994 जो कि 7 से डिविजिबल है और लास्ट नंबर है, मतलब ये 993 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उसमें ये लास्ट नंबर है। इसके आगे जो भी नंबर आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो 4 डिजिट होगा, तो यानी ये सारे ये आपकी एपी बन चुकी है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिल चुका है, यहाँ से हमें मिल चुका है ए, दैट इज 105, हमें यहाँ से बी मिल चुका है यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कि 112 माइनस 105 जो कि कितना है 7। इसके अलावा हमारे पास में ये लास्ट टर्म हमारे पास में वो भी मिल गई है जो कि क्या, जिसको हम बोलेंगे ए एन, ए एन इज 994। और अब आपको चाहिए क्या, एन। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, आपका फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में ए एन है, तीन चार में से तीन टर्म आपके पास में गिवन है, ए एन है हमारे पास में, यहाँ पे ए है डी है, तो हम फोर्थ वन यानी एन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, वो आ गई 994, ए की वैल्यू हमारी होगी 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू होगी मैंने कितनी 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन 994 को हम 105 को उधर ले जाएंगे, तो 105 से माइनस कर दिया, बच गया एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया 889, और यहाँ से एन 7 से मल्टीप्लाई तो 7 एन माइनस 7, अब ये 7 भी राइट में लेफ्ट में चला जाएगा, तो बन जाएगा 889 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 एन, दैट इज 896 7 एन, एन इज इक्वल्स टू 896 अपॉन 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 हमारा आंसर आ गया इस तरह। तो
जो हमारा हमारे इसका मतलब क्या हुआ, थ्री डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो कितने हैं, टोटल 128 है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए क्या समझ में नहीं आया है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको सबको समझ में आया तो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।